बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं साहिबजादा हैदर जान अपने डिजिटल चैनल पर आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि डिफरेंट मौजूदात पे हम प्रोग्रामात करते आ रहे हैं और उसमें एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है कैरियर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, कैरियर ग्रोथ की हम बात करें, बहुत सारे लोग एजुकेशन करके भी उनको एक वो जो डायरेक्शन जो है उनके बारे में नहीं पता और उसके अंदर रह के जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है CV राइटिंग, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें, अपने आप को कैसे आगे लेके चले, अपने आप को एज अ प्रोडक्ट मार्केट में कैसे इंट्रोड्यूस करें, तो आज इस मौजू पे बात करेंगे। और आज इस मौजू पे मेरे साथ जो है मिस्टर सुहेल सदीक साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुहेल साहब, अगर मैं आपके प्रोफाइल को देख लूँ तो इट विल बी टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप CV राइटिंग के CV राइट के एक एक्सपर्ट है, एक ट्रेनर जो है, लीड ट्रेनर है, एक एंटरप्रेन्योर आप है, एक रिसर्चर है, एक राइटर है, एक सोशल वर्कर है, लेकिन मेरा पहला ही एक जो मासूमाना सवाल होगा, हु इज सुहेल सदीक? सिंपल इज दैट, सुहेल सदीकी जो है वो एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर अपने सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं एंड यूथ के साथ, कॉर्पोरेट के साथ, एकेडेमिया के साथ अपने सर्विसेज रेंडर कर रहा है जो आजकल की नीड है। और मेरा अपना मानना ये है कि एक तो पुराने ज़माने में ये था कि टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स, लेकिन आजकल ये एक ज़रूरत पड़ी है और ज़रूरत ये पड़ी है कि स्पेसिफिकली हमारी यूथ को कि टू क्रिएट द नीड एंड वांट इन दिन सेटिस्फाइड, ठीक है जी। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट करेंगे अपने लिए, ठीक है जी, जॉब्स कैसे क्रिएट करेंगे, बिजनेसेस कैसे क्रिएट करेंगे, तो उनके साथ बस एक चिटचिट होती है, सारे पाकिस्तान में घूमते हैं, बल्कि इंटरनेशनली भी घूमते हैं और लोगों को सिखाते हैं कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं। देखिए, यहाँ पे जो देखने वाले हैं, जो जो बोलने का और जो आप अल्फाज पे थोड़ा तवज्जो, जैसे सुहेल सदीकी ने कह दिया कि अपने लिए जॉब कैसे ढूंढते हैं, अपने लिए जॉब कैसे जो है उसको मिल जाता है अपने लिए। नाउ सुहेल साहब, आपके सामने जो एक सवाल मैं रखूंगा, CV जो है बहुत हर किसी जब वो एजुकेशन कंप्लीट करके CV बना लेते हैं, लेकिन एक CV होते हैं जो उसको CV B का अगर मैं नाम दूँ, वो मार्केट में चलती है, उसको कोई लिफ्ट नहीं देता, लेकिन अगर उसको स्टैंडर्ड के मुताबिक, जो कि ज़्यादा साइंस उसमें नहीं होता, अगर मार्केट के मुताबिक उसको बनाया जाए तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। Exactly. थोड़ा सा ये फ्रूटफुल CV के बारे में, हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं ट्रेनिंग्स में हमेशा बता देता हूँ कि नंबर फर्स्ट थिंग, यू हैव टू, आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है और आपका USP क्या है, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसको हम कहते हैं, और वो आपको कंपिटेटिव एज देता है मार्केट में। CV बाद में बनाएंगे, CV से पहले जो चीज़ें हैं कि हमें तो पहले ये पता हो कि सुहेल सदीकी कौन है, ठीक है जी, मैं कौन हूँ, वो कौन है। द मेन थिंग इज़ के पहले अपने आप को जाने, SWOT एनालिसिस करें, घर में करें, चार्ट पे करें और वो लिखें, उसके बाद जब उनको अपनी स्किल्स के बारे में पता होगा तो फिर ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली एक हम कहेंगे कि क्वालिटी CV बनेगी। अच्छा, फिर CV के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स अगर उसमें हम बात करें, तो आज जैसे मतलब 6-7 घंटे की ट्रेनिंग हो गई तो घंटों की ट्रेनिंग है उस पर, लेकिन द मेन थिंग इज कि अगर आप USP एंड वैल्यू एडिशन CV में करें, कहाँ से करेंगे, अगेन अपने आप से करेंगे, तो आपकी CV खुद ब खुद क्वालिटी बन जाएगी। एंड मैं दो स्ट्रेटेजी पे फोकस करता हूँ कि पहले आप पुश करेंगे अपने आप को मार्केट में, ठीक है जी, फिर उसके बाद जो है आप लोग खुद आएंगे आपको खींचने के लिए, पुल करने के लिए। यानी आईफोन की एग्जांपल देते हैं, ना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ना सेल्समैन है, कुछ भी नहीं है, लोग जाते हैं फिर भी आईफोन के लिए पागल हो रहे हैं, ठीक है जी, और अपना सब कुछ बेच के आईफोन ही ले रहे हैं। तो द मेन थिंग इज कि उन्होंने मार्केट को मजबूर किया हुआ है कि वो आए और वो चीज ले लें। एग्जैक्ट। तो द मेन थिंग इज यूनिक सेलिंग पॉइंट एंड अपने SWOT एनालिसिस करें, उनके बारे में अपने SWOT एनालिसिस कर अपने यूनिक पॉइंट जो है वो आगे लेके जाए। सुहेल सदीकी, जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात चल रहे, एक फैक्ट है, ग्राउंड रियलिटी है, और वो है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों का मोटिवेशन लेवल जो है वो डीमोटिव, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि ना उम्मीद हो गए, लेकिन एक डीमोटिवेशन है। बिल्कुल। क्या कहेंगे उन लोगों को कि वो अपने आप को कैसे ट्रैक पे ला के, बहुत सारे लोग हमारे रीट्रैक हो गए, दिस इज ऑल्सो द फैक्ट, कुछ हमारे इंटरव्यूज यंगस्टर के साथ चल रही थी कि बहुत सारे लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, क्या कहेंगे उन लोगों को कि वो दोबारा ट्रैक पे आ सके अपने आप, उनको मोटिवेशन के लिए अगर आप कुछ कहें। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये बिल्कुल हम समझ सकते हैं पाकिस्तान में, और अनसर्टेनिटी आती है, हर एक मुल्क में आती है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो आप देखें कि क्रिप्टो एंड ट्रेडिंग की वजह से अमेरिका के जितनी भी हैं वो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि वो बैंकक्रप्ट हो चुके हैं अमेरिका, ठीक है जी, वो एक बड़ी बात है, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन जो है वो हो रहा है। द मेन थिंग इज के अगर आपके अंदर करेज हो ना, मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, ठीक है जी, आराम से रह रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, तो अगर आपके अंदर करेज है,
सोचें, और अगेन वही मेरी वाली बात कि आप क्रिएट कर सकते हैं, हजारों अपॉर्चुनिटीज है, ना भागे गवर्नमेंट जॉब के पीछे, 17-18 के पीछे ना भागे, स्टार्टअप करें जी, 10,000-15,000 रुपए से स्टार्ट करें, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। हम पाकिस्तानियों में स्पेसिफिकली सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो अगर पेशेंस नहीं है तो हाउ कम मतलब हम बिजनेस में आ सकते हैं, स्टार्टअप में जा सकते हैं? ऑब्वियसली टिपिकली जॉब ही करेंगे, और अगर प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें तो हजारों जॉब्स है, मैं अगर आप गिन गिन के आपको बताऊं तो कंपनियां तरस रही हैं, ठीक है जी, सीवी कलेक्ट करने के लिए। तो ये हमने एक गवर्नमेंट जॉब का पीछे लगा हुआ है कि यार 17 में जॉब नहीं मिलेगी तो बस हमारी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। बाकी ब्रांड इन हो रहा है, हालात हैं, बिल्कुल हम समझ सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन अपने हिस्से का दिया तो हम जलाएं, मेरे हिसाब से तो कुछ भी मुश्किल नहीं मेरे हिसाब से। देखिए सब्र की आपने बात की तो वो सिर्फ कैरियर में नहीं है, और ये एक चीज़ में गुज़श्ता पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ लाइफ में, फिर आप थोड़ा सा सब्र करें स्टार्टिंग फ्रॉम योर होम, हर स्टेप पे आप सब्र से काम ले तो आपके 90% मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभार इमोशंस में या रिएक्शन में ऐसा कुछ कर लेते हैं जिसको रिकवरी जो है बहुत मुश्किल हो जाती है। सोहेल, मैंने स्टार्ट में कह दिया कि ये सेशन थोड़ा सा हम जरूरी नहीं है कि हम फॉर्मल वो डिस्कशन करें, ट्रेनिंग फील्ड जो है आपका एक फील्ड है, आप यूएन यूएसएड और इंटरनेशनल सेशंस आप वो जीएजी के साथ अभी आप इन टच है, कुछ हमारे ट्रेनर्स दोस्त आसपास में है, अगर नाम भी ले ले तो बुरा नहीं होगा, क्या उसको मैसेज, या अगर मैं कहूं कि कुछ के नाम अगर मैं ले लूं और उसको एक लफ्ज में आप मैं कहूं कि आपके पहला लफ्ज दिमाग में क्या आता है, दानिश का अगर मैं नाम लूं तो पहला, और ये देखने वाले जितनी भी है तो ये ट्रेनिंग के जो जितनी भी रिलेटेड व्यूअर्स है तो उनको समझ आ जाएगा कि हम इस पार्ट में क्या मैसेज दे रहे। दानिश जो है पहला लफ्ज आपके माइंड में क्या आता है? प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। काशिफ खान पहला लफ्ज क्या आता है? हार्ड वर्कर, हार्ड वर्कर। और अजीज, अ कॉम्पिटेंट गाय। उमर बिलोंग्स टू कराची, मोटिवेशन इंस्पिरेशन। और सुहेल हिमसेल्फ, वो आप लोग बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं। उमर थैंक यू सो मच, आज जो जो जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया था इस पे अगर सारा दिन भी हम बोल पड़े तो वो कम होगा, जो मेरा भी इस प्रोग्राम के वसात से एक मैसेज होगा, जो आज हमारे मेहमान है जो हमारा मैसेज होगा के, और जैसे उसने यूएसबी की बात की, अपने स्किल्स को, आपकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है उसको यूटिलाइज करें, मार्केट में लेके आए, नाउमीदी ना करें, अल्लाह ताला पे यकीन करें, एंड डेफिनेट बीइंग अ मुस्लिम ये हमारा बिलीफ है कि हार्ड वर्क हम करें हम डेफिनेटली आगे जाएंगे। विद दिस नोट सुहेल, अगर कोई मैसेज आप देना चाहे देखने वाले को? सिंपल इज दैट, कोई नहीं है, आज भी बहुत क्वेश्चंस हुए हैं, ठीक है, नॉर्मली हमारी यूथ क्वेश्चन करती है कि हमने कैसे करना है, तो नंबर फर्स्ट थिंग, करज होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, होगा ऊपर वाले का काम है, वो करेगा, ठीक है, मेहनत हम करेंगे, बाकी रिजल्ट उन पे छोड़ेंगे, बाकी कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। हाँ, वो वाली बात हम नहीं करते कि आप नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, 98-197 मंजिल से छलांग लगे, नहीं वो वाली बात हम नहीं करेंगे, लेकिन करज होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, इंशाल्लाह सारे काम आराम आराम से इंशाल्लाह होते रहेंगे। बिलीव ऑन योर, बिलीव ऑन योर स्किल्स, बिलीव ऑन योर एबिलिटी, बिलीव ऑन योर नॉलेज, बाकी एफर्ट्स करें, हार्ड वर्क करें, बाकी अल्लाह पाक पे छोड़ दें, इंशाल्लाह अ डे इज़ नॉट फॉर अवे, जब आप एज ए इंडिविजुअल कामयाब होंगे, आप इस कम्युनिटी के लिए कामयाब होंगे, आप पाकिस्तान के लिए, प्यारे पाकिस्तान के लिए आप कामयाब होंगे और ये मुल्क जो है आगे जाएगा। सुहेल थैंक यू सो मच फॉर टाइम। विद दिस नोट के अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, मुझे आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।